भारत माता की। अब की दिवाली भारत के अभिमान वाली। अब की दिवाली सैनिकों के सम्मान वाली। अब की दिवाली जाबाजों की शान वाली। अब की दिवाली सरहद वाली। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। अब की दिवाली तोप टैंक और वीरता वाली। भारत माता की। भारत माता की। इन तस्वीरों में प्रकाश के पर्व की पवित्रता के साथ पाकिस्तान पर प्रहार करने वाली सोच दिखती है। देश के मुखिया की भाव भंगिमाएं बता रही हैं कि देश के प्रहरियों के प्रति उनका प्रेम कितना अथाह है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जैसलमेर में फौजियों के साथ थे। टैंक पर चढ़कर नरेंद्र मोदी ने फौजियों को पुकारा तो एक एक सैनिक की भुजाएं फड़क उठी। तस्वीरों में नए भारत का जोश और जज्बा दिखने लगा। भारत माता की। भारत माता की। आपका पराक्रम, आपका शौर्य अतुलनीय है। इसी का असर है कि आज दुश्मन भी एहसास है कि भारत के जाबाजों की कोई बराबरी नहीं है। आपके इसी शौर्य को नमन करते हुए आज भारत के 130 करोड़ देशवासी आपके साथ मजबूती से खड़े हैं। आज हर भारतवासी को अपने सैनिकों की ताकत और शौर्य पर गर्व है। पीएम मोदी टैंक पर सवार हुए। टैंक ने कुछ दूरी तय की। टैंक पर सवार मोदी के चेहरे पर गजब का आत्मविश्वास था। दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब देने का अटल इरादा दिख रहा था। अपने बीच पीएम को पाकर जैसलमेर में जवानों का जोश हाई हो गया। रह रह कर भारत माता की जय के नारे लगते रहे। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। पहले शौर्य के प्रतीक लोंगेवाला चौकी पर भारत माता के जयकारे गूंजे और फिर जैसलमेर एयरबेस पर भी इन्हीं नारों से पूरा क्षेत्र गूंज उठा। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जैसलमेर में शहीदों के स्मारक पर फूल भी चढ़ाए, उन्हें नमन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूं तो हर साल ही फौजियों के बीच दिवाली मनाने पहुंचते हैं, लेकिन इस बार वो जवानों के लिए देश की तरफ से मिठाइयां लेकर पहुंचे थे। पीएम ने जवानों को मिठाई खिलाई तो जवान भी खिल उठे। त्योहार का दिन है तो थोड़ी सी मिठाई भी लेके आया हूं, लेकिन ये सिर्फ देश का प्रधानमंत्री मिठाई लेके नहीं आया है, ये मेरी ही नहीं, ये सभी देशवासियों के प्रेम और अपने पन का स्वाद भी उसके साथ लेकर के आया। पीएम मोदी पहले लोंगेवाला चौकी गए और फिर जैसलमेर एयरबेस पर जवानों को संबोधित किया। जान की बाजी लगाकर देश के सरहदों की हिफाजत करके हमें खुशियां देने वाले जवानों के साथ पीएम ने खुशी बांटी और साथ में ये भी बता दिया कि आखिर जवानों के लिए उनके दिल में कितनी जगह है। भारत माता की। आज भी दीपावली के पर्व आपके बीच में आया हूँ। आप भले बर्फीली पहाड़ियों पर रहें या फिर रेगिस्तान में, मेरी दिवाली तो आपके बीच आकर ही पूरी होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का टैंक पर सवार होना ये बताता है कि ये शक्ति के भावों से भरा हुआ भारत है। इसके सामने दुश्मन सर उठाएगा तो जिंदा दफनाया जाएगा।
मनजीत नेगी, जैसलमेर आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।